जय श्री राम मेरे प्यारो मैं ऋतिक बघेल स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके YouTube चैनल बघेल क्लासेस पर और आज की वीडियो में बात करेंगे मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जी हाँ मेरे प्यारो अगर आप लाइफ में कोई भी मैथ्स का एग्ज़ाम देते हैं उसमें ये फैक्ट्स या ये कॉन्सेप्ट आपके जरूर आएंगे तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें तो बिना किसी देरी के हम मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं जी है मेरे प्यारो जैसे हम इंग्लिश या हिंदी में सबसे पहले बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं यहाँ भी मैं आपको मैथ्स के बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा जैसे हम हिंदी में सबसे पहले वर्ण के बारे में जानते हैं और इंग्लिश में लेटर्स के बारे में जानते हैं तो मैथ्स में हम सबसे पहले अंक यानी कि डिजिट्स के बारे में जानेंगे डिजिट्स जिसको हिंदी में अंक बोला जाता है अब ये कितने प्रकार की होती है आइए हम देखते हैं सबसे पहले जो स्टार्ट होती है जीरो से जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन जी हाँ मेरे प्यारो, टेन नहीं होता है टेन इज़ अ नंबर नॉट आ डिजिट्स अगर आपसे कोई पूछे कि मैथ्स में कितनी डिजिट होती हैं तो डिजिट हमारी टेन होती हैं और हम जानते हैं सेकेंड कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि हमारे नंबर्स क्या है हमारा नंबर्स जिसको संख्या बोला जाता है क्या बोला जाता है संख्या अब ये संख्या किससे बनती है जैसे हमारे इंग्लिश में होता है लेटर्स मिलके वर्ड्स बनाते हैं ऐसे ही यहाँ अंक यानी डेट मिलकर नंबर यानी कि संख्या बनाते हैं तो मेरे प्यारो देखिए ट्वेंटी सिक्स भी एक संख्या है टेन भी एक संख्या है थ्री जीरो एट भी एक संख्या है नंबर है फोर सिक्सटी एट भी एक संख्या है ये इन्फाइनइट होती है ये काउंटेबल नहीं होती हैं क्योंकि हमारी हमको पता ही नहीं है काउंटिंग कब तक है वो तो चलती जाती है इनफाइनाइट होती है हमको पता ही नहीं है जो चीज़ हमको पता नहीं है वो इनफाइनाइट होती है जी हाँ मेरे प्यारों आपको दो कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे सबसे पहले डिजिट्स जो कि दस होती हैं जीरो से लेके नाइन तक और नंबर्स नंबर्स का ऐसे बनते हैं हमारे एक या एक से ज़्यादा डिजिट्स अब कंबाइंड होती हैं वो हमको क्या बना के देती है नंबर्स तो जी हाँ मेरे प्यारों आपको समझ आ गया होगा अब चलते हैं हमारे कुछ फैक्ट्स की ओर तो सबसे पहला जो फैक्ट्स है वो क्या है किसी संख्या में शून्य यानी किसी भी नंबर में जीरो को जोड़ा ऐड या घटाया सब्ट्रैक्ट किया जाए तो संख्या नंबर में कोई चेंज नहीं होता है जैसे एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल अगर आपको बताना चाहूँ तो क्या ले सकते हैं हम जैसे ट्वेंटी फाइव प्लस जीरो अगर ट्वेंटी फ़ाइव में आप जीरो को ऐड करोगे या जोड़ोगे तो आपको आंसर ट्वेंटी फाइव मिलेगा यानी कि संख्या में कोई चेंज नहीं हो रहा है यहीं सब्ट्रैक्शन देखिए जैसे फोर्टी सिक्स में से जीरो को सब्ट्रैक्ट किया तो आपको फोर्टी सिक्स ही मिलेगा तो आप आई होप आप समझ गए होगे कि जी ईजी है क्या कि किसी भी संख्या यानी कि किसी भी नंबर में शून्य यानी जीरो को ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो जो संख्या है वैसी की वैसी रहती है एज इट इज़ रहती है नेक्स्ट चलते हैं किसी संख्या यानी कि किसी भी नंबर में शून्य का गुणा किया जाए यानी किसी भी नंबर में जीरो से मल्टीप्लाई किया जाए या शून्य में किसी का गुणा किया जाए या जीरो में किसी से ही मल्टीप्लाई किया जाए तो गुणनफल शून्य होता है यानी उसका जो आंसर मिलेगा वो आपको जीरो मिलेगा यानी कि जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको जीरो मिलेगा एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं हम क्या होता है तो एग्जांपल है जैसे हमारा जैसे हमने लिया 36 सिक्स जीरो अगर आप जीरो का मल्टीप्लाई जीरो से अगर 36 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर जीरो मिलेगा या जीरो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको आंसर जीरो मिलेगा आई होप आपको ये दो कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे तो पहला क्या था किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ा या घटाया जाए तो संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है यानी कि किसी भी नंबर में जीरो को ऐड किया जाए या सब्ट्रेक्ट किया जाए तो उस डिजिट में या उस नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है दूसरा है आपका किसी भी नंबर में जीरो से मल्टीप्लाई किया जाए या जीरो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर आपको हमेशा जीरो मिलेगा अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर जो कि है शून्य में किसी भी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य होता है कहने का मतलब ये है कि जीरो में अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपको हमेशा जीरो मिलेगा एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं जैसे जीरो में डिवाइड दें हम फोर्टी टू का तो आंसर आपको जीरो मिलेगा और कितना बड़ा भी नंबर से आप अगर डिवाइड करोगे तो भी आपको आंसर जीरो मिलेगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा किसी संख्या में शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल इनफाइनाइट होता है यानी कि परिभाषित नहीं नॉट डिफाइंड आप बता ही नहीं सकते क्या आंसर आता है अगर हम किसी भी नंबर में अगर हम किसी भी नंबर में जीरो से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर नॉट डिवाइड यानी कि इनफाइनाइट आता है फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने सिक्सटी में अगर जीरो से डिवाइड दिया तो इनफाइनाइट आएगा या दुनिया का कोई सा भी नंबर लिया अगर मैंने उसको जीरो से डिवाइड किया तो उसका आंसर आपको इनफाइनाइट यानी कि नॉट डिफाइंड मिलेगा हम बता ही नहीं सकते हैं उसका आंसर क्या मिलेगा आई होप आपको ये दो समझ आ गए होंगे फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि अगर हम किसी इनफाइनाइट तो मिलेगा और जीरो में किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आपको हमेशा जीरो मिलेगा आप ये बात याद रखें याद करने के लिए टिप्स टू रिमेंबर अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर जो कि किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान एक होता है यानी किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो है तो उसका आंसर आपको हमेशा वन मिलेगा फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि टेन की पावर भी अगर जीरो है तो आपको आंसर वन मिलेगा अगर वन थाउजेंड एट की पावर भी अगर जीरो है तो भी आपको आंसर हमेशा क्या मिलेगा वन नेक्स्ट है हमारा किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल एक प्राप्त होता है यानी किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर हमेशा वन मिलेगा एग्जाम्पल के तौर पे अगर ट्वेंटी सिक्स को ट्वेंटी सिक्स से डिवाइड करोगे तो आंसर वन मिलेगा और हमारा सेवन एट्टी सिक्स को अगर सेवन एट्टी सिक्स से डिवाइड करोगे तो आंसर आपको हमेशा वन मिलेगा ये इजी कॉन्सेप्ट था ये वाला तो आप जानते हो लेकिन ये वाला बहुत कम पता होता है तो आई होप आपको पता लग गया होगा अगर आप नहीं जानते थे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स बॉक्स में ऑनेस्टली आंसर देना तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूं अगर किसी भी नंबर की पावर जीरो है तो उसका आंसर वन मिलेगा और किसी भी नंबर को उसी नंबर से अगर डिवाइड किया जाएगा तो आंसर वन मिलेगा अब हम चलते हैं हमारे कुछ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर जो कि है हमारे एडिशन और सब्ट्रेक्शन के कुछ रूल यानी कि जोड़ और घटाव के कुछ नियम पहला है हमारा धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह प्लस का लगता है कहने का मतलब ये है कि अगर कोई दो पॉजिटिव नंबर है या तीन पॉजिटिव नंबर है वो आपस में ऑलवेज एड होंगे और जो साइन लगेगा वो हमेशा प्लस का लगेगा एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं जैसे कि ट्वेंटी और ट्वेंटी को अगर जोड़ा जाए तो फोर्टी होते हैं ऐसे ही अगर 36 और 46 को जोड़ा जाए तो आंसर हमको 82 मिलता है इसके पहले कोई साइन नहीं है और यहां भी आप देख रहे होंगे कि इसके पहले कोई साइन नहीं है उसके लिए मैंने नोट में आपको बता दिया किसी संख्या के पहले कोई चिन्ह ना हो तो उसको प्लस का माना जाता है यानी कि यहां कुछ नहीं तो ये पॉजिटिव माना जाएगा यहां भी कुछ नहीं है तो इसको हमेशा पॉजिटिव माना जाएगा ये एडिशन के कुछ रूल है अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर जो कि है धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएँ सदैव घट जाती हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है कहने का मतलब ये है कि अगर पॉजिटिव नंबर है और एक हमारा निगेटिव नंबर है अगर हम इसको एड या एड या कुछ भी करेंगे तो हमेशा ही हमेशा सब्ट्रैक्ट होंगे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं जैसे फोर्टी में से अगर मैं फ़ोर्टी सिक्स में से अगर मैं सिक्सटीन को घटाता हूँ तो मेरे को आंसर थर्टी मिलेगा उसके पीछे का कारण क्या है कि फोर्टी सिक्स जो हमारा बड़ा नंबर है वो वो प्लस का इसलिए है इसलिए यहाँ जो आंसर आया वो प्लस का आया है अब इसका उल्टा लेते हैं हम जैसे मैं अगर आपको बताऊँ ट्वेंटी में से अगर थर्टी सिक्स को घटाऊँ तो माइनस का सिक्सटीन मिलेगा उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो बड़ा नंबर है वो काय का है नेगेटिव का आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं जो कि हमारा ऋणात्मक संख्याएँ सदैव आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह नेगेटिव माइनस का आता है कहने का मतलब यह है कि अगर नेगेटिव वैल्यू को हम अगर एड नेगेटिव वैल्यू को अगर हम कुछ भी ऑपरेशन एडिशन या सब्टन करेंगे वो हमेशा क्या होगा उनका आई होगा और जो साइन आएगा वो हमेशा निगेटिव आएगा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं माइनस का सिक्सटीन और माइनस का एट्टीन लेता हूँ तो माइनस का थर्टी फोर आएगा और माइनस का थर्टी फोर और माइनस का थर्टी लेता हूँ तो माइनस का सिक्सटी फोर आता है आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गए होंगे अगर नहीं आए तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह प्लस का लगता है यानी कि दो पॉजिटिव नंबर या तीन पॉजिटिव नंबर हमेशा जुड़ेंगे और साइन हमेशा प्लस का आएगा प्लस के साइन के लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है नोट पॉइंट में बता दिया है दूसरा है एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है तो हमेशा वो सब्ट्रैक्शन होगा और जो साइन आएगा जो बड़ी डिजिट का साइन होगा वो आएगा तीसरा दोनों नेगेटिव संख्याएं या तीन नेगेटिव संख्याएं आपस में हमेशा जुड़ेंगी और साइन नेगेटिव का आएगा आई होप आपको ये समझ आ गया होगा आइए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर जो कि हमारा मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल्स तो मल्टीप्लिकेशन के अगर दोनों नंबर प्लस के हैं पॉजिटिव है यानी धनात्मक है तो रिजल्ट आपको हमेशा पॉजिटिव यानी धनात्मक मिलेगा एग्जांपल के तौर पे देखते हैं अगर टू का इंटू अगर मैं थ्री से करूंगा तो हमेशा आपको प्लस का सिक्स मिलेगा नेक्स्ट है हमारा अगर हम प्लस का इंटू माइनस यानी धनात्मक संख्या का मल्टीप्लाई नेगेटिव यानी ऋणात्मक संख्या से करेंगे तो रिजल्ट आपको निगेटिव मिलेगा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फोर का इंटू माइनस के थ्री से करूंगा तो आपको रिजल्ट माइनस का ट्वेल्व मिलेगा नेक्स्ट है हमारा अगर पहली संख्या निगेटिव है दूसरी पॉजिटिव है तो भी आपको रिजल्ट निगेटिव मिलेगा कहने का मतलब यह अगर मैं माइनस फाइव का इंटू प्लस के सिक्स से करूंगा तो माइनस का थर्टी मेरे को आंसर मिलेगा अगर दोनों ही संख्या निगेटिव है तो आंसर आपको पॉजिटिव मिलेगा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर माइनस सेवन का इंटू माइनस एट से करूंगा तो रिजल्ट रिजल्ट मेरे को प्लस का फिफ्टी सिक्स मिलेगा ये मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल हैं मैं आपको बता देता हूं अगर निगेटिव का गुणा मल्टीप्लाई सम बार, यानी कि इवन टाइम्स हो रहा हो तो रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा और अगर निगेटिव का गुणा बिसम यानी कि ऑड बार हो रहा हो तो रिज़ल्ट आपको हमेशा निगेटिव मिलेगा ये आपके नोट पॉइंट है आपको ये ध्यान रखना है आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा ये भी इजी था ये ज़्यादातर हम सीखते हैं कि दोनों अगर प्लस हैं तो रिजल्ट प्लस मिलेगा अगर एक प्लस है एक माइनस है तो रिजल्ट नेगेटिव मिलेगा दोनों अगर माइनस के हैं तो रिज़ल्ट पॉजिटिव मिलेगा एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो भी आपको आंसर नेगेटिव मिलेगा आपको याद रखना है अगर नेगेटिव इवन टाइम्स है तो रिज़ल्ट पॉजिटिव मिलेगा और नेगेटिव अगर ऑड टाइम्स है तो रिज़ल्ट आपको नेगेटिव मिलेगा तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर मैं मानता हूँ वीडियो बड़ी हो गई होगी लेकिन अगर आप सारे कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं तो आपको टाइम तो लगेगा क्योंकि आपका ये बहुत पहले से छूटा हुआ है अगर आपका बेस मजबूत होगा तो आपकी सारी चीज़ें मजबूत होगी मैं आपको पहले ही कई बार बोल चुका हूँ अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर जो कि हमारा डिवीजन यानी भाग का तो उसके क्या रूल है उसको देखते हैं हम यदि अंश और हर के चिन्ह समान है तो धनात्मक मान प्राप्त होगा और यदि अंश और हर के चिन्ह असमान है तो ऋणात्मक मान प्राप्त होगा कहने का मतलब यह है कि न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाली वैल्यू और डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाली वैल्यू अगर दोनों के साइन सेम है तो रिजल्ट आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगा अगर दोनों के साइन डिफरेंट हैं तो रिजल्ट आपको हमेशा नेगेटिव मिलेगा यहाँ दोनों के साइन सेम है प्लस प्लस के तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव मिलेगा यहाँ भी दोनों के साइन सेम है नेगेटिव नेगेटिव तो भी रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा यहाँ एक माइनस का एक प्लस का तो रिजल्ट आपको पॉजिटिव निगेटिव मिलेगा सॉरी और यहाँ भी अलग अलग है तो रिजल्ट आपको निगेटिव मिलेगा इसके कुछ एग्जाम्पल देख ले देख लेते हैं जैसे हम सिक्स का डिवाइड टू से दें तो रिज़ल्ट आपको प्लस का थ्री मिलेगा प्लस का साइन लगाते नहीं है मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है अब देखते हैं दोनों अगर माइनस फोर्टीन का डिवाइड माइनस सेवन से दूंगा तो रिजल्ट आपको टू मिलेगा क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल होगा जे भी कट के हो जाएगा नेक्स्ट चलते हैं आपके माइनस फिफ्टीन का डिवाइड अगर प्लस की फाइव से दूंगा तो माइनस का थ्री मिलेगा और अगला अगर मैं आपको देखूँ अगर ट्वेंटी का डिवाइड माइनस के माइनस के फोर से दूंगा तो रिजल्ट आपको माइनस का फाइव मिलेगा आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और उनको भी मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताइए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट हैव अ ग्रेट डे जय हिंद